सरहदी कच्छ जिल्लामां बे दिवसथी मेघावी वातावरण जोवा मळ्युं छे। तेनी वच्चे आगामी त्रण दिवस दरमियान जिल्लामां भारी वरसादनी आगाही पण करवामां आवी छे, जेने लईने तंत्र एलर्ट बन्युं छे। तो आ बाजु कच्छमां एनडीआरएफनी एक टुकड़ी पण फाळवी देवाई छे। आम दरियाकांठाना विस्तारो सहित समग्र कच्छमां वरसादनी आगाहीने लईने तंत्र सतर्क छे। त्यारे वरसाद साथे पवननी गति वधी शकवानी संभावना साथे जिल्लामां अधिकारीओने पण स्टेन्ड बाय रखाया छे। खास करीने डिझास्टर विभाग द्वारा कंट्रोल रूम मार्फत समग्र जिल्लामां नजर राखवामां આવી રહી છે। અત્યારે અમે વેરી હેવી રેઇનફોલ ને કન્સિડર કરી અને અમારી તૈયારીઓ કરી છે। ગઈકાલથી જ તમામ લાઇન ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, નગરપાલિકાઓ, તાલુકા મામલતદાર શ્રી અને લાઇઝનિંગ ઓફિસર્સ જે છે એમને સ્ટેન્ડબાયની સૂચના આપવામાં આવી છે કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ। તદુપરાંત એક એનડીઆરએફની ટીમ જે છે એ અહીંયા હેડક્વાર્ટરમાં સ્ટેશન કરેલી છે। આપણે તમામ પ્રકારના રેસ્ક્યુ સંસાધનો અને બચાવના બીજા સંસાધનો જે છે એમની ચકાસણીઓ અને એ બધું જે છે એના ફોલોઅપ્સ અમે લઈ રહ્યા છીએ। દરેક તાલુકા કંટ્રોલ રૂમ જે છે એ મુજબ વર્કિંગ કરી રહ્યો છે। કોઝવેઝ હોય અથવા તો ડીપ્સ છે એના શાઇંગ બોર્ડ એ બાબતોને પણ આ વખતે આપણે ચકાસણીમાં સાથે સાથે લઈ રહ્યા છીએ। जो अभी हमको हाल में ही प्रजापति सर जो कि डिजास्टर मामलादार सर हैं उनके द्वारा भी मीटिंग के बाद हमें जो बताया गया है कि आज शाम से लेकर के कल सुबह तक कुछ तेज़ बारिश हो सकती है और मुझे और मेरी टीम को प्रजापति सर के द्वारा ये ब्रीफ किया गया है कि जो लो लाइंग एरिया हैं, वल्नरेबल प्लेसेस हैं, कुछ तालुका जहां पर पे इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी टीम को जाना पड़ सकता है, उससे पूरी स्थिति के बारे में हमें ब्रीफ किया गया है। और एनडीआरएफ टीम की यदि हम तैयारी की बात करें तो एनडीआरएफ टीम के पास फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड सारे उपकरण मौजूद हैं, जिसमें कि बोट, ओबीएम, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोप और डीप डाइवर, डीप डाइविंग सेट मौजूद है। साथ ही यदि तेज़ बारिश के कारण कुछ एरिया में अगर किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के कटिंग इक्विपमेंट्स भी एनडीआरएफ टीम के पास मौजूद हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है।